वहीं मध्य प्रदेश में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला ग्वालियर से आ रहा है, जहां एक डंपर ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक यह मामला बिजौली थाना क्षेत्र के खेरिया मोदी और करगवा गाँव के ही हाईवे का है, जहां दो युवक बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए निकले थे, तभी डंपर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। मृतकों के नाम विनीत कुशवाहा और सौरभ जाटव बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से डंपर चालक फरार है। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी, वह तुरंत ही वहां पहुंच गए और रोड पर जाम लगा दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया है? हमने किया है, थोड़ा बहुत चक्का जाम किया है। ये बिजौली रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। एक मोटरसाइकिल पे विनीत और सौरव का बच्चे, दो बच्चे थे, कुशवाहा और एक जाटो है। पीछे से एक ये डंपर आ रहा था, अपना खाली डंपर है जो किसी खदान वदान से गिट्टी विट्टी लाने का काम करता है। उसने तेजी और लापरवाही से चला के उस मोटरसाइकिल के बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे वो डेथ हो गई।